अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी काली लिनक्स मशीन को ओपन वीपीएन के थ्रू ट्राई हैव मी के सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हम क्यों करते हैं, हमारे पास ट्राई हैव मी के अंदर वेब बेस्ड अटैक बॉक्स अवेलेबल होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को बाय नहीं किया होता तो अटैक बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क करता है। और दूसरा, उसके अंदर हमारे पास 2 आवर्स की लिमिट होती है एक दिन के अंदर, तो इसी वजह से हमें स्विच करना पड़ता है अपनी ऑन मशीन के ऊपर। और उसके लिए ट्राई हैक मी रिकमेंड करता है कि आप ओपन वीपीएन को यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए उनके सर्वर के साथ कनेक्ट हों सिक्योर वे में। तो देखते हैं हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ओपन वीपीएन को ट्राई हैक मी के सर्वर के साथ। और इसके लिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस के ऊपर, यहाँ से एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट नाउ सर्वर का स्टेटस ऑनलाइन है, कनेक्शन नॉट कनेक्टेड है। ये ओपन वीपीएन एक्सेस की डिटेल्स हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास वीपीएन सर्वर्स हैं, आप कोई भी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग नियर सर्वर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और चूंकि इंडिया मेरे क्लोजेस्ट में है तो मैं इसीलिए इंडिया को कनेक्ट करूँगा। देन हम यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सर्वर को चेंज करना है वीपीएन सर्वर को, तो आपने न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन वीपीएन की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और ये मेरा यूज़र नेम है, इसी यूज़र नेम के साथ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम अपने टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे ओपन वीपीएन को इंस्टॉल करेंगे। ओपन वीपीएन, तो यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड ऐड करना है और देन हमारे पास हमारा ओपन वीपीएन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास वीपीएन, ओपन वीपीएन इंस्टॉल हो चुका है। और अगर हम इसी कमांड को अगेन जो है वो रन करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो ये है कि हमें अपनी डाउनलोड लोकेशन पे जाना है, जहाँ पे हमारे पास वाइट हार्ट ओपन वीपीएन हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डाउनलोड हुई है। हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। और तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हम डाउनलोड की अपनी लोकेशन के अंदर हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे sudo open vpn और नेक्स्ट हम यहाँ पे वाइट हार्ट जो कि हमारी फाइल का नेम है उसको ऐड करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड ऐड होगा और होपफुली आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी और होपफुली वी विल कनेक्ट विद आवर ट्राई हैक मी सर्वर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम अपने ट्राई हैक मी पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास राइट नाउ कनेक्टेड का जो है वो ऑप्शन है और हमारा ये आईपी एड्रेस है। और अपनी कनेक्टिविटी की जो कंफर्मेशन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिग करें तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा अपना इथरनेट का एड्रेस है और ये हमारा लूपबैक एड्रेस है और यहाँ पे हमारा टनल का जो एड्रेस है वो आ रहा है 10.17.44 एंड 1.13। तो इस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने ओपन वीपीएन के थ्रू काली लिनक्स मशीन को और कनेक्ट हो सकते हैं ट्राई हैक मी के सर्वर के साथ। इसके अलावा आप अपने आईपी एड्रेस को पिंग भी करके देख सकते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको पिंग का रिजल्ट जो है वो रिसीव हो रहा है ट्राई हैक मी के सर्वर से, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ओपन वीपीएन को तो कनेक्ट कर लिया है ट्राई हैक मी के सर्वर के साथ, तो अब हम कैसे अपनी लैब को, अपनी टास्क को जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने लिनक्स मशीन के अंदर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने एक ये यहाँ पे यारा का मैं रूम सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ही मैंने मशीन को ओपन किया है और ये हमारे पास इसकी आईपी एड्रेस है और यहाँ पे इसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिंपली जो है पहले तो इसके एड्रेस को पिंग करके देखते हैं कि
क्या ये रिस्पांस रिसीव हो रहा है। तो बिल्कुल रिस्पांस रिसीव हो रहा है। तो देन हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे SSH करेंगे। तो SSH बेसिकली सिक्योर सॉकेट शेल है जो कि हम यूज़ करते हैं सिक्योर वे के अंदर रिमोटली सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट साइड पे। तो देन हमारे पास इसका यूज़र नेम आएगा सिमनेटिक के नेम से और एट और देन हमारे पास आईपी एड्रेस आ जाएगा जिस सर्वर के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसके अंदर ये हमारे से पासवर्ड डिमांड करेगा। तो हमारे आज के इधर पासवर्ड जो है वो 11 रूल्स है। तो हम सिंपली जो है इसमें पासवर्ड ऐड करेंगे और इसको एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास राइट नाउ, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूँ साइज़ को, तो यही हमारे पास यहाँ पे अटैक बॉक्स के अंदर ओपन है। और अगर मैं यहाँ पे कोई जो है वो टास्क परफॉर्म करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे फाइल्स हैं अवेलेबल। और अगर मैं अपनी मशीन के अंदर सेम यही कमांड ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं कि सेम हमारे पास यही फाइल्स जो हैं यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन ये मेरा अपना इन्वायरमेंट है काली लिनक्स का और ये मेरे पास अटैक बॉक्स है। और अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने यूज़र नेम के साथ अपनी मशीन के ऊपर एग्ज़िट हो चुका हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने ब्रीफ वे के अंदर ओपन वीपीएन की कनेक्टिविटी को ट्राई हैकमी के सर्वर के साथ और देन हम अपनी लैब को कैसे SSH कर सकते हैं अपनी काली लिनक्स मशीन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।